हाय फ्रेंड्स, तो क्या सीखा आप लोगों ने? तो गाइज, आज फिर एक न्यू ब्रांड वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सीन देखने को मिला गाइज। बार बार बंदे आ रहे थे और बार बार किल कर रहा था मैं। और इससे पहले मैंने दो गेम खेले गाइज, वो दोनों गेम जो ना उसमें भी बड़ा अच्छा जो ना फाइट करने का, लेकिन जो ना ज़्यादा कामयाब नहीं हुए वो गेम। तो यहाँ पर ये जो शख्स था गाइस, ये जो प्लेयर था, ये इसका नाम था गाइस, इसको फर्स्ट टाइम तो मैंने किल कर दिया और सेकंड टाइम पे इसने मुझे किल कर दिया था गाइस। इसका नाम क्या था, ZS लेजी गाइस। तो इसकी जो मज़े की लूट मैंने ली, और यहाँ पर ये जो जोश में आया था गाइस, ये बड़ा जोश में आया था। ये उमर और बाहर भी फाइटिंग चल रही थी, मैंने इसका किल फौरन लिया ताकि जो ना मेरा किल चोरी ना हो। लास्ट टाइम गाइस मेरे जो ना 27 किल्स की जो वीडियो निकली है, उसके बाद से जो ना 27 किल्स की निकल नहीं रही, क्योंकि किल्स बहुत चोरी हो रहे हैं। अब देखें, वो सामने एक बंदा मुझे दिखाई दिया यहाँ से, और मैंने फ़ौरन उसका किल पकड़ने की कोशिश की है। ये देखिए, मशीन गन वाला इसको फायर कर रहा था गाइस, लेकिन मैंने फौरन किल पकड़ लिया था कि जो ना ये मशीन गन वाला किल ना ले रहे। यहाँ पर जो मशीन गन, अच्छा पीछे से एक और आया और मैं समझा थोड़ा सा क्लियर होगा, लेकिन ये भाई नुबड़ा था, बहुत उल्टी सीधी फायरिंग इसने की। उसका किल लिया मैंने, फिर उसके बाद फौरन उस फाइट की तरफ मैं जाने लगा, क्योंकि वो मशीन गन वाला जो ना कहीं हाथ से ना निकल जाए। वो बोट नहीं था, रियल प्लेयर था, तो मैंने बोला इसके साथ तो फाइट लेनी लाजमी है। तो यहाँ पे आगे आया और यहाँ पे मैंने ज़रा पावर भी इस्तेमाल कर दिया। पावर के मज़े क्या हैं, ये बंदा जैसे ही मैं इसको मूली करने लगा, ये पीछे की तरफ इसने दौड़ के लगाई। इसने बोला भाई ये सेफ्टी में निकलो और हेल्थ वगैरह करो या कुछ कवर लो या कुछ भी समथिंग। तो मैंने इसको फटाफट बोट था या रेल प्लेयर था ये तो मैं चल नहीं जाने, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से किल करके जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँ, तो मशीन गन वाले के साथ मेरा जो है थोड़ा सामना सामना हुआ। मशीन गन वाला बेचारा डिस्टर्ब हो गया। ये रियल बंदा था, पाकिस्तानी था ये, और अच्छे से जो फायरिंग हुई उसको मुझे भी डिस्टर्ब किया, ये उनके साथ एंगेज हो गया था। बंदे की फायरिंग के ऊपर मेरा सारा ध्यान हो गया था गाइस, तो उसका भी ध्यान इधर ही हो गया था। इसमें ऐसे मेरी बचत हो गई कुछ, यहाँ पे मुझे फेवर मिल गई। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये तो दोबारा नहीं आया बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। लेकिन वो उमर अभी आएगा और कोशिश करेगा कि मैं यार बदला लूँ अपना, लेकिन उसका वार बेचारे का वेस्ट हो जाएगा। उसका ये देखें यहाँ पर आया, अब ये वही है जिसको बड़े जोश में जिसके अंदर से वहाँ पे कुटस खाई थी, तो अब ये आया यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस इसको जो ना मुझे यहाँ पे कंफर्म हुआ कि यार ये तो उमर है, तो उसको पहले मार चुका हूँ, और फिर मुझे बड़ा इसके ऊपर तरस से आया और मैंने इसको जो ना मारना मुनासिब नहीं समझा और इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने का कोई फ़ायदा था नहीं गाइस, इसका कोई रिलीवर वगैरह जो इसका जो वो है अपना टीम मेट, वो तो बहुत दूर होगा। और मैंने इसको लास्ट टाइम तक देखा तो ये जा रहा है, और उसके बाद यही था कि इसका कोई टीम मेट वगैरह कोई बहुत दूर था शायद, तो ये सर्वाइव नहीं मिल सका इसको, और मैं इसको छोड़ के यहाँ से चला गया था। और किल मुझे यहाँ पे इसका मिल गया था, 8 किल मेरे हो गए थे। यहाँ पर ये पावरें लगा रहा था यहाँ पे बैठ के। अच्छा, यहाँ पर सारी पावरें यूज़ कर रहे थे गाइस, बोट हो या रेल हो कोई भी हो, पावर इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये कह रहा हूँ यहाँ पर एक और पावर लगा के आया यहाँ पर भागते भागते। अच्छा,
अच्छा यहाँ पर उन कटोरे के अंदर जैसे ही मैं निकला, उसके बाद यहाँ पर दो बंदे गए, दो टीममेट जो थे ड्यूल के, कोई वो था उनका, और फायरिंग की। तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं इनसे फाइट लेने की, लेकिन शक हो रहा था कि यार ये लोग मुझे महंगे पड़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कवर लिया और थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पर रिकवर की, और हेल्थ रिकवर करने के बाद मैंने इनके साथ दोबारा अटैम्प्ट लेने के लिए आगे बढ़ा मैं। और यहाँ पर ये इजीली मुझे मिल गया, इतना मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतना इजी मिल जाएगा। यहाँ पे जंपे कर रहा था, आया और इसको भी मैंने किल कर दिया। और ये यहाँ पर धोनी फिनिश हो गए क्योंकि इनकी लूट मैंने की फिर। अच्छा अब यहाँ पर ये सीन दिखाने वाला है, मैं आया पुचिंगी के अंदर, गए पुचिंगी के अंदर, यहाँ पर मुझे उस जेड एस लेजी ने मुझे यहाँ पर किल कर दिया, नाजायज किल किया गए। मैं ज़रा ध्यान इस तरफ था और पीछे से इससे फायरिंग की, ये देखिए थोड़ा सा भी मुझे मौका मिल जाता ना तो मेरी इसके साथ फाइट बन जाती। अब मुझे आ गया गुस्सा यहाँ पर, और गुस्सा आने के बाद मैंने पुचिंगी दोबारा लैंड किया और पुचिंगी में काफ़ी इसको ढूंढा लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा बी जेड गुजर जो था गाइज वो मारे जा रहा था बंदों को, और शुरू से ही ये मारा जा रहा था। मैं इसको नोट कर रहा था कि ये बड़े बंदे मार रहे हैं, देख रहे हैं आप इसका नाम, देखिए इसका नाम आ रहा था बी जेड गुजर। मैंने फटाफट पुचिंगी के अंदर एंट्री मारी और यहाँ पे दो किल तो यहाँ पे भी मुझे मिल गए, लेकिन यहाँ पर वो बंदा नहीं मिला जिसने मुझे किल किया गाइस। यहाँ पर ये जो था गाइस जिसने भी पावर वावरें लगाई रखी थी, इसके बाद पावर जमा की हुई थी, इसको मैंने नेड करा लेकिन नेड इसको लगा नहीं गाइस। देखिए करीब ये देखिए एकदम पावर लगा दिया दूर गाइस। अच्छा ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने किल, यहाँ से जैसे मैंने इसका लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर आया, इन्होंने यहाँ पर फील्ड बनाई हुई थी और जो ना उस तरफ जाने नहीं दे रहे थे, प्ले एरिया के अंदर ये लोग जाने नहीं दे रहे थे, और यहाँ से मैंने जो ना अपना रून कटोरा लेके आगा। अच्छा मुझे ये बात पता नहीं थी गाइस कि ये रून कटोरा पानी के ऊपर ऊपर तैरता है और ये जो ना वेस्ट नहीं होता है। बहरहाल मैंने जो ना जो भी सोच के मैंने बोला चलो अब लगाना तो है, तैर के जाना है, ये जाना तो कि 15 किल्स हो चुके थे और चिकन लेना लाजमी लेना था। मैंने यहाँ से ना जंप कर दी पानी के अंदर, और ये अच्छा हुआ कि ये पानी के ऊपर ऊपर था, ये डूबा नहीं गाइस। मुझे उम्मीद थी कि यार ये नहीं डूबेगा शायद, और ये देखिए ये ऊपर आ गया ज़बरदस्त। मैं जैसे ही यहाँ से निकला हूँ ना, अब आगे सामने मुझे मिला है जेड एस लेजी गाइस। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ से जैसे ही मैं पहुँचा ना वो आ रहा था, और मैंने सोचा कि इसको जो ना यहाँ से उतरने ही नहीं देना, संभलने ही नहीं देना, नीचे जो ना पैर नहीं रखने देने इसको जो ना। मैंने पूरा जहन बना लिया और देखा वो देखो वो सामने से आ रहा है, और मैं फ़ौरन आगे की तरफ भागा और मैंने कहा भाई इसको तो नीचे नहीं उतरने देना है। यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया, यहाँ पर एक और मुझे भागते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर बड़ी उधम फाइट इन्होंने पहले मचाई, बी एस जेड भी यहीं पर था भाई, इस बारे में मुझे इल्म नहीं था। मैं जैसे यहाँ पर पहुँचा हूँ इसको फिनिश करने के लिए, और इसको जैसे ही मैं लूट कर रहा था यहाँ पर फिनिश करके, बी एस जेड ने मुझे फायरिंग खोली है। मशीन गन थी बी एस जेड के पास, यहाँ पे मैंने कवर करके हेड लगा के यहाँ पे मैंने कवर पकड़ा, और उसके ऊपर मैंने इसने पता नहीं क्या खाया हुआ था क्या पिया हुआ था गाइस बी जेड गुजर ने, इसको ना नेड लग रहे थे ना मूलियाँ लग रही थी। अच्छा यहाँ पर पांच बंदे रहे, एक और मैंने वहाँ नोक झुक किया था वो किल मुझे मिला, 18 किल हो जाएंगे मेरे। और अब तीन बंदे रह गए हैं, तीन बंदे, एक वो सामने, एक मैं हूँ, और एक नीचे इस कमरे के नीचे। इस कमरे के नीचे वाला किल भी आई थिंक इसने ले लिया शायद, मुझे जो लग रहा है। और मैंने इसको बड़ी मूलियाँ की, इसको नेड किए, लेकिन इसको जो ना ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखें ये देखें, तो ये देखें आग कैसी लगी हुई, ये देखें इसको जो ना मूली नहीं लगी, सोचिए आगे पीछे सही आग लगी हुई। अच्छा यहाँ पर मेरी गुड लक ये हो रही थी कि मुझे फायर नहीं लग रहा था। अच्छा तीन किल अभी हैं, नोट करिए एक किल ये शायद कर देगा, उसने कर दिया बी जेड गुजर ने किल मार दिया, नीचे ही था मेरे घर के नीचे ही था। हाँ जो ना
मैंने इसको चुना वहाँ पे। आखिर दी दो नेड मेरे पास पड़े हुए हैं शायद। मैंने कहा यार कुछ हल नहीं है यहाँ पर, तो मैंने बोला चलो कुछ हेल्थ ही रिकवर की जाए जब तक, क्योंकि ये तो जवान निकलेगा नहीं, मोर्चा बना के बैठा हुआ, ये तो नहीं निकलेगा बाहर से, अपन में आएगा नहीं। क्योंकि चिकन डिनर की कहानी थी, वन टू वन मैच था, चिकन डिनर लेना लाजमी था। वो भी हो सकता है, मैं भी शायद कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चांस बहुत दिए। तो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा सर बाहर ना निकालूँ, क्योंकि अगर एक फायर भी लगी ना तो वो खोपड़ी पे जाना गाइस, तो चांसेस ज़्यादा थे कि। अच्छा मैंने एक कोर नेट किया इसके ऊपर और ये भी वेस्ट चला गया बिल्कुल। तो नेट पे चेक भी कर रहा था, ये देखिए नेट तकरीबन करीब ही फट रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और इसने मुझे यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब किया काफ़ी देर। जो ना मैंने इसमें कुछ वीडियो काट के मैं जो ना फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, ये निकला नहीं गाइस, इसने बड़ा जो ना खबर का मुजाहरा किया। और देखें पावर यूज की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला उसको भी। चलिए आखिरी नेट था और ये मैंने इसके ऊपर चेक करो, नहीं देखिए नेट कहाँ बहुत दूर पड़ गया था, ये सही मिला। अच्छा फिर उसके बाद मैंने यहाँ से सोचा कि अब जो ना एक्शन लिया जाए, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है और शायद मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल देखिए उसकी तरफ ज़्यादा था, मेरी तरफ कम था। मैंने कहा यार ये मैं एंड में फंस जाऊंगा, तो यहाँ से मैंने थोड़ी वीडियो कट कर दिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ सर्कल जैसी आप गया। ये देखिए सर्कल, नेक्स्ट सर्कल पे अब ये सर्कल भी उसके ऊपर बन गया था। अब मुझे जाना था गाइस यहाँ से, और यहाँ पे मैंने पावर यूज़ की और पावर यूज़ करके फ़ायदा उठाया गाइस। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा यहाँ से मैंने छलांग मारी गई, और छलांग मार के मुझे दिख गया, और दिखने से मैंने फ़ायदा उठाया। Yeah!